कर्नल यामीन ने, शहीद खाकान अबासी ने, अशफाक सरवर ने, हमारे दोस्तों की ये तरबियत नहीं है। आप अपनी बात कीजिए और दूसरों की बात भी सुनिए। आपने कहा था बल्क वाटर सप्लाई स्कीम देंगे, और बल्क वाटर सप्लाई स्कीम हो गई है, हो गई है। यहाँ किसी यूनिवर्सिटी का ख्वाब दिखाया गया था, हो गया है। शायद साहब अल्लाह करे ये इलेक्शन हो। मैं दावा करता हूँ कहूटा और कोटली सतिया तहसील पिछली मर्तबा ये झूठ बोलकर बेईमानी से कामयाब हुए थे, कामयाब हुए थे। मेरी लीड इनकी दोनों तहसीलों में मिला के लीड 10,000 से कम थी। मैं दावा करता हूँ, मैं भी तो घूमा भी नहीं हूँ, मैंने कोटली वालों की आंखों में अपने बाप की कब्र का प्यार देखा। शायद साहब हमने बैनर लगाए खाकान अबासी साहब के, तो हमने देखा लोग खम्बू से उतार कर अपने घरों में ले गए। ये वो मोहब्बत है जो ये इलाका आपसे करता है। और यहाँ पर वो जो नौसरबाज है ना सदकू, मैं चैलेंज करता हूँ जब भी इलेक्शन होंगे कहूटा और कोटली सतिया से शिकस्ते फाश होगी, मरी वाले जाने उनका काम जाने। मैं शायद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अतीक सरवर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, करामत साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उस तमाम कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुझे हदायत की कि आप अपने कागजात वापस ना लें, और मैंने नहीं लिए। अगर ये इलेक्शन हुए और क़यादत ने इजाजत दी तो भरपूर तरीके से टांगे के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। और मुझे यकीन है ये धरती मेरी माँ की धरती है, ये धरती मेरे बच्चों की मां की धरती है। मेरे से वफा करोगे, उठ के बताओ वफा करोगे, शायद अबासी से वफा करोगे, निफत से आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, उठ के बताएं, हाथ खड़ा करके बताएं मेरे कायदीन को, बताएं ना, देखो देखो कौन आया, दूर तक जाए प्रेंडले तक आवाज जाए, प्रेंडले तक आवाज जाए, प्रेंडले तक, जहां पर रिंग रोड बंदी रही और कोटली का ये हाल हो गया। देखो देखो कौन आया। बहुत शुक्रिया।